हेलो एवरीवन, कैसे हैं सब लोग? होपफुली अच्छे होंगे। और आपका स्वागत है आप ही के चैनल वर्ल्ड ऑफ शीतल में। यस, ये आप ही का चैनल है क्योंकि आप इस चैनल के मेंबर हो, फैमिली मेंबर हो। तो आज कोलकाता में बहुत गर्मी है, बहुत ज़्यादा गर्मी है। आप देख सकते हो कितनी धूप है। सुबह 7 बजे का समय है ये। तो मेरी मॉर्निंग हो चुकी है और मैं अपनी मॉर्निंग की शुरुआत पानी पी के कर रही हूँ क्योंकि मैं एम्प्टी स्टमक 1 लीटर पानी ज़रूर पीती हूँ। जैसे ही सो के उठी, पता नहीं ऐसा क्यों लगा कि बीपी फ्लक्चुएट हुआ है मेरा। पता नहीं चक्कर आ रहे थे, बहुत वीकनेस लग रही थी। सोचा एक बार बीपी चेक कर ही लेती हूँ क्योंकि बहुत अजीब सा लग रहा था मुझे, कुछ नहीं अच्छा लग रहा था। और एक तो ये खोलना बहुत बड़ा, मुझे वो इरिटेटिंग लगता है, इसको खोलना फिर लगाना। अब मैं इसको लगाने की कोशिश कर रही हूँ कि ये लग जाए, बहुत कोशिश कर रही हूँ, पर अकेले लगा पाना बहुत मुश्किल है। चलो लगा तो लिया, अब चेक करती हूँ कि क्या पोजीशन है। ये स्टार्ट कर दिया मैंने, देखते हैं क्या होता है। 3-4 मिनट तो लगते हैं इसको। तो ये आया है जैसा मुझे फील हो रहा था कि लो आएगा, तो नीचे का प्रेशर लो है। तो वीकनेस बहुत ज़्यादा लग रही थी तो मम्मी ने कहा कि दूध और ब्रेड खा ले। सुबह सुबह मुझे ये सब खाने की आदत नहीं है, खासकर दूध। मुझे दूध से बहुत एलर्जी है क्योंकि दूध से मुझे गैस हो जाती है। पर क्या करूँ, कोई ऑप्शन नहीं था। फ्रूट्स भी नहीं थे घर में, मैंने ऑर्डर किया ब्लिंकिट से, कुछ फ्रूट्स ऑर्डर किए। तब तक सोचा इसी से काम चला लेती हूँ। और बिल्कुल देसी स्टाइल में, जैसे शायद आप सब भी खाते होंगे, मैं वैसे ही खा रही थी, ब्रेड को दूध में डुबोकर। ये जो ब्लिंकिट से ऑर्डर किया था वो आ चुका है। अब मैं आपको दिखाती हूँ कि क्या क्या मंगवाया मैंने। तो ये सब मैंने अपने फेवरेट फ्रूट्स मंगवाए हैं, ऑरेंज, एप्पल, अनार। और एप्पल दो तरह के हैं, एक उसमें बता रहा था कि टर्की का है, एक इंडियन है, और ये कीवी है। कीवी मुझे बहुत पसंद है। क्यूकुम्बर मंगवाया और पपीता भी मंगवाया, मुझे पपीता भी बहुत पसंद है। तो दूध पीने के बाद ताकत आ गई तो सोचा कुछ काम कर लेती हूँ। ये वार्डरोब है जहाँ पे सब बेडशीट और पिलो कवर रखे रहते हैं। और आप देख सकते हो कि जितनी भी बेडशीट है मेरे पास, सब रेड, पिंक, माय गुडनेस। फिर देखा दूसरा, सोचा निकालूं, ये भी रेड निकला। और मैं टोटली कन्फ्यूज हो गई कि मैं क्या करूं, कौन सा बेडशीट लगाऊं। बट एट द लास्ट मिल गया, तो वाइट बेडशीट, उसके ऊपर पिंक कलर का बेड कवर लगाया। कैसा लग रहा है? तो सुबह से म्यूट होके बात कर रही हूँ बिकॉज मेरी तबीयत एकदम नहीं सही थी, मेरा बीपी लो था। और अभी थोड़ी देर पहले ही मैंने नींबू पानी नमक का डेट मिक्सचर पिया है और सही नहीं लग रहा है। बिकॉज एक तो आज गर्मी भी बहुत है, 2 दिन से मेरा बीपी हाई था, मीन फ्रॉम फ्राइडे टू सैटरडे, मीन कल तक। मैंने इंस्टा की स्टोरी पे बताया भी था, आज संडे है। तो मैंने कल बीपी हाई का मेडिसिन लिया था डॉक्टर से पूछ के, तो आज मुझे बीपी लो लग रहा है। पता नहीं क्या चक्कर है। और इतनी गर्मी है यहाँ पर, इतनी गर्मी है कि मैं आप लोग को बता नहीं सकती हूँ कोलकाता में अचानक से इतनी गर्मी क्यों हो गई है। 3 दिन से ये गर्मी है। इतने दिनों से अच्छा मौसम था, मतलब बारिश हो रही थी, बारिश नहीं भी हो रही थी तो इतनी गर्मी नहीं थी, इतनी धूप नहीं थी। बट अभी तो मैं तो नहीं सोच सकती हूँ कि मैं कहीं बाहर निकलूँ, पर यस, मुझे कहीं जाना तो है। और लेट्स सी क्या होता है, मेरी तबीयत के ऊपर डिपेंड करता है। अगर मेरी तबीयत सही हुई तो मैं बाहर निकलूँगी, नहीं तो घर पर ही रहूँगी। और जहाँ भी जाऊँगी मैं आप लोग को ज़रूर बताऊँगी। तो मिलती हूँ थोड़ी देर बाद, थोड़ा सा बीपी चेक कर लेती हूँ कुछ कैसा है। तो जैसा कि मैंने आप लोग से बोला था कि मुझे बाहर जाना है, तो मुझे मंदिर आना था, भगवान जी के दर्शन करने थे। और यहाँ के मुझे एक बहुत ही इंटरेस्टिंग बात पता चली। मैं इतने सालों से इस मंदिर में आ रही हूँ पर मुझे आज तक नहीं पता चला, पर आज मुझे पंडित जी ने बताया। ये जो हनुमान जी का स्वरूप है, इनके बारे में यहाँ के जो पंडित जी हैं वो कुछ बताना चाहते हैं। हाँ हाँ बताइए। ये जो मंदिर है वो 200 साल पुराना है और ये जो आपके सामने छवि दिख रहा है, मूर्ति नहीं है,
हमारे पिताजी के पिताजी ने बताया था कि जब कलकत्ता शहर नहीं था तब जब ये जो मथुरा चौक जिनका नाम लिखा हुआ है वो यहाँ आए और हनुमान जी की पूजा करते थे। अच्छा। तो जब उनका देहांत होने वाला था उसके एक महीना पहले अपने आप धरती से सिंदूर का जो है वो लगा कि जैसे बारिश हो रहा हो वैसे पूरा सिंदूर निकल के पूरे रोड के चारों तरफ फैल गया और मथुरा बाबा के सपने में आया कि तुम यहाँ जो है हनुमान जी का स्थापना करवा। तो ये जो छवि आपके सपने दिख रही है ये कोई मूर्ति नहीं है ना, हमने इसमें आँख लगाया है ना कुछ, ये अपने आप धरती से निकल के और खड़ा हो गया। इसी के साथ मैं व्लॉग की एंडिंग कर रही हूँ। अगर आपको व्लॉग अच्छा लगा हो तो लाइक ज़रूर कीजिएगा। जय श्री राम।